दिस इज एस पंडित हेयर एंड आई वेलकम यू ऑल टू द कैटलिस्ट ग्रुप यूट्यूब चैनल, जहां पे हर वीकेंड हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट मोटिवेशनल या फिर साइकोलॉजिकल हैक लेके आते हैं, जिससे आप यूज करके अपनी लाइफ की कोई ना कोई प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व कर सकते हो। आज ऐसे एक इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो वीडियो में लेके आया हूं, जिसके अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी टिप्स बताने वाला हूं जो जनरली अलग सी वियर्ड सी ट्रिप है, थोड़ी सी अलग सी ट्रिक्स है, बट हाँ अगर आप इनको यूज करते हो, अगर आप इनको स्टडीज में अपनी अप्लाई करते हो, तो आपको कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा, ये गारंटी है मेरी। आज हम बात करेंगे वन बाय वन छोटे छोटे पॉइंट्स की, और जो तीसरी टिप, तीन ऐसी टिप्स मैं आपको देने वाला हूं, और जो थर्ड टिप है वो बहुत टाइम से काफी लोग मुझसे पूछ रहे थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे जब मैंने बताया था, एक 80-20 प्रिंसिपल समझाया था, एक वीडियो अपलोड किया था 80-20 पारेटो प्रिंसिपल का, देख सकते हो आप, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो लोग मुझसे पूछ रहे थे, सर हमें तो आइडिया ही नहीं है सिलेबस का, हमें तो पता ही नहीं है कैसे क्या छोड़ना है क्या नहीं छोड़ना है। मैंने आपको समझाया था कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो 20% जो कोर्स होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, बाकी की पूरी बुक जो होती है वो इंपॉर्टेंट नहीं होती है। तो एग्जामिनेशन में जो पेपर आता है वो 20% से ही आ जाता है, तो अगर हम वो 20% ढूंढ लें तो हमारा काम हो जाता है। तो आज थर्ड पॉइंट में मैं वो भी चीज आपको समझाऊंगा कि वो 20% कहां से और कैसे आप निकाल सकते हो, इवन अगर आपको नॉलेज नहीं भी है तब भी आप ढूंढ लोगे कैसे, आई लेट यू नो। तो आज हम इंपॉर्टेंट तीन ऐसी टिप्स की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं टिप नंबर वन सिंपल है बट वेरी इंपॉर्टेंट टिप है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जब आप जिस रूम में पढ़ाई करते हो, जब आप रूम में पढ़ाई करते हो वो रूम कंजेस्टेड नहीं होना चाहिए। कंजेस्टेड का मतलब होता है उसमें आप ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने सारी किताबें भर रखी है, इधर आपने कूड़ा भर रखा है, उधर आपने चेयर भर रखी है, आपका जो मिल रहा है आपने अपने घर को अपने रूम को डस्टबिन बना रखा है, डस्ट रूम बना रखा है कि आप उसमें जाके सब कुछ भर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका जो रूम होता है वो क्लीन होना चाहिए, सिंपल सा स्पेस होना चाहिए जिसमें आपके पास दो चेयर और एक टेबल होनी चाहिए। वो दो चेयर क्यों होनी चाहिए, लेट यू नो दैट ऑल्सो। एक टू चेयर टेक्निक भी है, वो मैं आपको समझाऊंगा। दो चेयर और एक टेबल आपके पास होनी चाहिए, मैंने आपको पहले भी बताया है, बेड पे नहीं पढ़ना होता है वरना बेड पे पड़ जाते हैं, नींद आ जाती है, चेयर पे ही पढ़ना होता है। चेयर अगर अच्छी वाली नहीं है तो भैया मोड़ा ले लो, सीधी सिंपल वाली चेयर ले लो, लेकिन होनी चेयर ही चाहिए, बैठ के ही पढ़ना होता है अपने को। तो सबसे इंपॉर्टेंट छोटी सी चीज है लेकिन इंपॉर्टेंट है, स्पेस जो होता है वो क्लीन होना चाहिए, क्योंकि इन चीजों का जो इंपैक्ट होता है वो ब्रेन पे, वो दिमाग पे पड़ता है और लोड आने लगता है, एक अनइंटेंशनली आप वो लोड लेने लग जाते हो अपने दिमाग पे अगर आपके चारों तरफ सामान या चीजें भरी हुई है, सच बता रहा हूं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपके जो आसपास का रूम होता है उसमें आप जो दीवार होती है उसको आप कलरफुल चार्ट पेपर से पेस्ट कर सकते हो, जैसे येलो चार्ट पेपर लिया, ब्लू चार्ट पेपर लिया, व्हाइट चार्ट पेपर लिया, ऐसे करके अलग अलग शेप पे उनको कट करके आप चिपका सकते हो, और आपके जो नोट्स होते हैं, जो शॉर्ट नोट्स आप बनाते हो, या जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज होते हैं, बेसिक सी चीजें होती हैं, रिएक्शंस होती हैं, या बेसिक सी टर्म्स होती हैं, डेट्स होती हैं, जो भी है आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप उस पर लिख सकते हो। देखो इंपॉर्टेंट क्या होता है, अगर आप कलरफुल तरीके से नोट्स को पेस्ट करते हो तो फिर मैंने आपको हमेशा से बताया है, तो अपना दिमाग होता है उसकी पिक्चर्स को, कलर्स को कैप्चर करने की एबिलिटी बहुत अच्छी होती है, बहुत बढ़िया एबिलिटी होती है। अगर मैं आपसे कहूं कि इस शोरूम में जाना, उस शोरूम में कितने गाड़ियां इस पर्टिकुलर कलर की खड़ी होंगी तो मुझे बता देना, तो आप कलर से उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे कि सर रेड कलर की सर इतनी कार वहां पे खड़ी थी, येलो कलर की इतनी कार यहाँ पे खड़ी थी। अगर सारी कार सेम कलर की है और मैं आपसे कहूं काउंट करके बता दो तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। तो मल्टीपल कलर्स जो होते हैं वो हम जल्दी कैप्चर कर लेते हैं कि भाई इस कलर में ये लिखा हुआ था, इस शेप के ऊपर ये लिखा हुआ था। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? दिमाग को इंटरलिंकेज चाहिए होते हैं याद करने के लिए, एकदम से एक चीज आप याद नहीं कर सकते। अगर आपको पता है आपने सर्कुलर शेप में येलो चार्ट पेपर को काट के दीवार पे चिपकाया है और उस पर एक फॉर्मूला लिखा है तो दिमाग उसको ऐसे कैप्चर करेगा, एक सर्कल है, एक शेप है, वो शेप येलो कलर की है, उस येलो कलर के अंदर ये लिखा हुआ है। तो यहां तक पहुंचते हुए आपको दो स्टेप इंटरलिंकेज मिल जाएगा तो ब्रेन इजिली स्टेप बाय स्टेप पहुंच जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जैसे अगर आपको तीन स्टेप ऊपर जाना है तो तीनों स्टेप चढ़ने पड़ते हैं, डायरेक्ट ऊपर नहीं जा सकते। द सेम केस इज हियर, दिमाग को अगर उस फॉर्मूले तक पहुंचना है तो पहले शेप को पकड़ेगा, शेप याद हो जाएगी एक सेकंड में, कलर याद हो जाएगा, उस कलर के ऊपर क्या लिखा है वो ऑटोमेटिकली याद हो जाता है। करके देखना अप्लाई, 100% एप्लीकेबल है और काम कर जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज रूम के स्पेस के हिसाब से, एक तो क्लीन रूम रखना है, कलरफुल नोट्स पेस्ट कर सकते हो। एक और चीज आप वेरी इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रख सकते हो वो ये है कि आपका जो स्टडी मटेरियल है वो रेंज में होना चाहिए। रेंज का मतलब होता है मैं आज पढ़ने बैठा हूं और मुझे चाहिए एक कप कॉफी और मुझे चाहिए एक पेन
और मैं ढूंढ रहा हूं तो मेरा मूड जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। जैसे जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना, जब हम जिम जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे सेट कर रहे होते हैं हमें पूरे, वो डंबल हम पहले से निकाल के साइड में रख लेते हैं कि भाई साहब ये सेट अपने को करने हैं, सुपर सेट जब हम करते हैं, जिससे हमें पता होता है कि भाई इसके बाद ये एक्सरसाइज करनी है, इसके बाद ये एक्सरसाइज करनी है, इसके बाद ये डंबल यूज करना है, तो उससे क्या होता है अपना सेट हो जाता है, एक मोमेंटम सेट हो जाता है। तो आपको जो स्टडी मटेरियल है, जो भी आपका सिलेबस है, आपकी बुक्स है, जो आपको यूज कर रही है, यू जस्ट हैव टू कीप देम इन रेंज, उनको अपनी रेंज में रख लेना। ऐसा नहीं कि भर दी 10 किताब तो नहीं पढ़ पाओगे ना, पढ़ तो आप 10 पेज ही पाओगे, तो वो 10 पेज पेन कॉपी जो भी आपके पास है सब अपनी रेंज में रखो, पहले से ही प्रिपेयर कर लो, पहले से ही प्रीपेयर कर लो, पहले से ही उसको प्रिपेयर करके अच्छे से रखो। ऐसा नहीं कि जहां पढ़ने जा रहे हो आपने 2 बजे से टाइम टेबल अपना फिक्स किया कि मैं 2 बजे से पढ़ूंगा और आप 2 बजे जाके पहले वही ढूंढ रहे हो, तो आपका टाइम टेबल तो वैसे ही वेस्ट हो गया ना, आधा 15-20 मिनट तो, और उसके बाद फिर आप सेट कर रहे हो चीजें, नहीं पहले से ही सेट करके रखो एक दिन पहले कि भैया इतने बजे ये करना होता है मुझे। तो यहाँ पे ये पहला स्टेप है जो आपके जो स्टडी का सिस्टम है उसको इजी बनाएगा और सिंपल बनाएगा। तो रूम को थोड़ा सा सेट अच्छे तरीके से आपको करके रखना है, ये पहली चीज हो गई। दूसरी टू चेयर टेक्निक, ये टू चेयर टेक्निक रिविजन में बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्रिएट करती है और इससे जरूर रिजल्ट आता है। ये एक ऐसे मान लो एक साइकोथेरेपी सेशंस होते हैं, वहां पे लोगों को ये चीजें बताई जाती हैं, लर्न करने के लिए नहीं, बहुत सारी चीजें होती है, हमें वहां पे नहीं जाना है, बट उसको हम स्टडीज में कैसे अप्लाई कर सकते हैं आई लेट यू नो। क्या करना होता है, इसमें जो एक चेयर हमारे पास होती है, इस चेयर को हम बोलते हैं स्टडी चेयर, स्टडी चेयर, ये हमारी स्टडी चेयर होती है और ये हमारी होती है रिविजन चेयर। अब सिस्टम क्या होता है, आप जब इस साइड पे बैठ के पढ़ते हो तो इस साइड पे अपनी स्टडी चेयर रखो और इधर साइड पे एक साइड में टेबल की आप रखो अपनी रिवीजन चेयर। जिस चेयर पे आप पढ़ते हो लिखते हो उस चेयर पे रिवीजन नहीं करना है, रिवीजन के लिए यू हैव टू सिट ऑन द अदर चेयर एंड देन यू हैव टू रिलैक्स योरसेल्फ, क्लोज योर आईज एंड देन यू हैव टू रिकॉल व्हाटएवर यू हैव जस्ट स्टडी। रिकॉल रिवीजन करना है आपको, ऐसे मैंने आपको हमेशा बताया हाउ टू रिवाइज, रिवीजन के लिए भी मैंने बहुत अच्छे वीडियो बनाए हुए हैं आप देख सकते हो, अगर आप प्रॉपर तरीके से रिवीजन करते हो वही जैसे मैंने आपको बताया है माइंड मैपिंग का यूज करके या स्टोरीज बना के, स्टोरीज का भी मैंने आपको ट्रिक समझाई थी कि कैसे हाउ यू कैन मेक द स्टोरीज आउट ऑफ योर जो भी आपका इन्फॉर्मेशन है डेटा है उसका आप यूज करके। तो एक चेयर पे बैठ के आप पढ़ सकते हो, दूसरी चेयर पे बैठ के अपना आंख बंद करके आराम से सर रख के रिकॉल करो, अच्छा ये पढ़ा था इसके बाद ये हुआ था, इसके बाद ऐसे 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 करके यू कैन रिकॉल द थिंग्स। अब उससे क्यों होगा सर, ये क्या हो जाएगा सर, चेयर बदल के क्या हो जाएगा, हूं तो मैं अब मैं हूं बेवकूफ तो मैं हूं बेवकूफ, फिर मैं इधर बैठ के पढ़ लू या उधर बैठ के थोड़ लू, बात तो एक ही है, नहीं बेवकूफ कोई नहीं होता है, सबके पास सेम दिमाग होता है, बट लोग उसको अप्लाई करने का तरीका बदल देते हैं, बस जो अच्छे से स्टाइलिश तरीके से स्मार्ट तरीके से अप्लाई करता है वो स्मार्ट और टैलेंटेड बन जाता है। तो आपको यहाँ पे दो चेयर टेक्निक का यूज इसलिए करना है क्योंकि आपके अंदर एक साइकोलॉजिकल एक सिस्टम सेट हो जाएगा कि इस चेयर पे जब मैं बैठता हूं देन मुझे पढ़ना होता है, बट इस चेयर पे आई कैन रिलैक्स एंड आई कैन रिकॉल द थिंग्स करके देखना, ये इफेक्टिव है और 100% एफिशिएंट है और रिजल्ट देगा। टू चेयर टेक्निक या आप यूज कर सकते हो फॉर रिवीजन, पहले रूम को सेट कर लेना, दो चेयर लगा लेना रिवाइज करने के लिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सर 20% जो अपने को पढ़ना है, पूरी किताब पढ़नी नहीं होती, इतनी मोटी किताब लेके सर पूरी पढ़ लूंगा, क्यों पूरी किताब में से एग्जाम आएगा, एग्जाम में पेपर आएगा ना, एग्जाम में पेपर कहां से आएगा, कुछ कोर पोर्शन से आएगा, तो सर कोर पोर्शन निकालू कैसे, मैं कोर पोर्शन निकालू कैसे, उस कोर पोर्शन को मुझे 10 बार पढ़ना है तो मेरा काम हो गया, क्योंकि सिलेक्शन लेना होता है। इवन टॉपर जो होता है वो भी ये सोच के एग्जाम नहीं देता कि मैं टॉप मारूंगा, मैंने बहुत सारे एग्जाम्स में अच्छी रैंक लेके आया हूँ, फर्स्ट रैंक भी आई है बहुत सारे एग्जाम्स में, कभी ये सोच के नहीं जाता कि इसमें फर्स्ट रैंक आ जाएगी, वो आ जाती है, वो बाई चांस आती है, वो आपका वहां पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इफेक्ट आता है, चाहे वो आप 1% लक मान लो, 1%, बाकी तो हार्ड वर्क होता है, स्मार्ट वर्क होता है। नाउ हाउ टू अप्लाई दिस, कैसे करना है अपने को 20% जो पढ़ना है एक्चुअल में, जो कोर पोर्शन है कैसे निकालना है, मैं आपको समझाता हूं। हमेशा सबसे पहले आपके पास सिलेबस होना चाहिए, दूसरी चीज आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर होने चाहिए। अब आपने क्या करना है, सिलेबस में से एक टॉपिक उठाया, टॉपिक ए मान लो, फॉर एग्जांपल मैंने टॉपिक ए उठा लिया, इस टॉपिक ए में का प्रीवियस ईयर मैंने उठाया पिछले 10 साल का। अब मैंने क्या कर रहा है, इस टॉपिक के क्वेश्चन सर्च करने हैं 10 साल के प्रीवियस ईयर में जो भी आए हुए, क्वेश्चन सर्च कर लिए। अब मैंने जो क्वेश्चन निकाल लिए वो क्वेश्चन मेरे को पता है भाई इस टॉपिक के हैं सारे क्वेश्चन। अब वो जो टॉपिक मैंने पकड़ा था सिलेबस से उठाया, तो उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं और अलग अलग तरीके से आ रहे हैं। अब मेरे को पता है कि भैया इस टॉपिक में से ये क्वेश्चंस आ चुके हैं, अब मुझे क्या करना है, वो जो टॉपिक और वो जो क्वेश्चन है उन दोनों चीजों को रिलेट करके अब मुझे बुक खोलनी है, अब मुझे बुक खोलनी है या अपना स्टडी मटीरियल ओपन करना है, और स्टडी मटीरियल में उस टॉपिक में से उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो जो सब टॉपिक्स हैं पढ़ लेने हैं और उनके आसपास का एक एक पैराग्राफ और पढ़ लेना है। इससे क्या होगा,
इससे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में जो 10 साल से चीजें पूछी जा रही हैं उसके आसपास का एरिया आप ऑलरेडी कवर कर रहे हो, उसका कॉन्सेप्ट आप ऑलरेडी कवर कर रहे हो, और जो सिलेबस के अंदर टॉपिक लिखा है वो भी आप ऑलरेडी कवर कर रहे हो। तो आपने क्या करना है, आपने टॉपिक चूज करना है, आपने क्वेश्चन चूज कर रहे हैं, और देन आपने बुक चूज करनी है। उस बुक की शुरुआत से लेकर लास्ट तक लाइन नहीं पढ़नी है, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपको बताएंगे आपको किस टॉपिक में से कितना पढ़ना है। टॉपिक भी पूरा नहीं इंपॉर्टेंट होता है, वो टॉपिक ये है जो सिलेबस में है। इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बता रहे हैं, और इसके बाद आप अंदाजा लगा लोगे कि मुझे किस रेंज तक इस टॉपिक को तैयार करना है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आप पढ़ सकते हो अपनी जस्ट अपने उसके लिए नॉलेज के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए कि हाँ ठीक है ये चीजें ऐसी होती हैं। समझ में आया क्या कह रहा हूं? पूरी बुक नहीं पढ़नी होती है, कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक उठा लो, उस स्टैंडर्ड बुक को इस तरीके से कवर करोगे, और जब आप 10 साल के सारे टॉपिक्स उठा के 10 साल के प्रीवियस ईयर बार बार ऐसे करके मैच करके पढ़ते चले जाओगे, तो जब आप सारे टॉपिक्स सिलेबस से खत्म कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भैया मेरा सिलेबस खत्म हो गया। और बुक अभी के बहुत बची है, बुक में बहुत सारी ऐसी चीजें जो सिलेबस में मेंशन ही नहीं है, बुक पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो प्रीवियस ईयर में आई ही नहीं है, 10 साल में नहीं आई है, तो फिर क्या आएंगी। इसका मतलब एक चीज यहाँ पे क्लियर है कि अगर आप प्रॉपर तरीके से स्मार्ट वे में क्वालिटी स्टडी करोगे कुछ ऐसा प्रीवियस ईयर का यूज करके, और बुक को एनालाइज करके, और बुक में से उसमें से टॉपिक उठाओ इस तरीके से, तो आपका काम हो जाएगा, मेहनत कम लगेगी और दिमाग ज्यादा लगेगा। और आज के टाइम पे जो दिमाग लगाता है वो आगे बढ़ता है, जो भागता दौड़ता रहता है वो टाइम निकल गया। इस टाइम में, इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में, इस सेंचुरी में अब जो आप जी रहे हो इसमें दिमाग लगाने वाला आगे बढ़ रहा है, बाकी सब पीछे छूट रहे हैं। ये आप देख चुके हो अभी रीसेंट टाइम चेंजेस के अंदर। तो आप दिमाग लगाओ और दिमाग से मेहनत कराओ, बॉडी की मेहनत कराने का टाइम गया, दिमाग से मेहनत कराओ। दिमाग मेहनत करके आपको जिता ले जाएगा, राजा बना ले जाएगा, और आपके सपने सच करके ले जाएगा। एक चीज ध्यान रखना, टैलेंट नाम की कोई चीज नहीं होती है। लोग कहते हैं ये टैलेंट है, टैलेंटेड बंदा है भैया, ये तो कर लेगा, मेरे से नहीं होगा। टैलेंट वैलेंट कुछ नहीं होता, जो होता है वो होता है दम, जो सबके अंदर होता है। दिमाग सबके पास बराबर होता है, लगाने का तरीका स्मार्ट तरीके से जो लगा ले जाता है वो आगे बढ़ जाता है, बाकी सब पीछे देखते रह जाते हैं और बोलते हैं वो टैलेंटेड था, मैं नहीं हूं। ये लूजर की एक निशानी होती है, लोगों को देख के बोलना यार वो टैलेंटेड है, मैं नहीं हूं। अपने आप को लूजर बनाना है तो बनाते रहो, 99% वही करते हैं, लेकिन 1% जो नहीं करते हैं वही आगे बढ़ते हैं। और आपको अगर उनमें आना है तो आपको कहीं ना कहीं ये स्ट्रैटेजीज, ये जो चीजें मैं बताता हूं इनको अप्लाई करने की कोशिश करनी है। और हमेशा किसी भी आदत को डालने के लिए 21 दिन उसको रिपीट करना होता है, वो आदत अपने आप आदत बन जाती है। और एक बार आदत बन गई, अच्छी आदत बन गई, तो फिर तो वाह वाह, फिर तो मजे ही मजे। ऐसे मस रहो, ऐश करो, लोगों को बताओ, लोगों तक पहुंचाओ ये चीजें। खासतौर से जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, अपने जूनियर्स, अपने फैमिली मेंबर्स, अपने भाई बहन, उन तक जरूर इन्फॉर्मेशन पहुंचाया करो, क्योंकि वहां आप जो भी चीज समझाओगे उनको वो उनके फायदे की होगी, और जितनी जल्दी लोगों तक फायदा पहुंच जाए उतना अच्छा होता है। मुझे लेट समझ में आया, मैंने आपको बताया, आपको अभी समझ में आया, किसी और को बताओ जिसको और जल्दी समझ में आ जाए। बढ़िया, खुश रहो, अच्छा लगे तो जरूर बताना, नहीं अच्छा लगे तो मत बताना, मतलब बता देना, अच्छी बात होगी, मैसेज कर देना, नीचे कमेंट कर देना। और अगर किसी पर्टिकुलर चीज पे आपको और वीडियो चाहिए, साइकोलॉजिकल हैक चाहिए, तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, उसको जरूर उठाएंगे जिसपे सबसे ज्यादा लाइक होगा। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट टिप्स है, बहुत टाइम से कुछ लोग पूछ रहे थे। इंस्टाग्राम आईडी में मैं नीचे कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, पिन कर दूंगा उसको। और मेरा एक अपना एक चैनल मैंने बनाया हुआ है, उसको भी मैं लाइव आना शुरू होऊंगा। मैंने जैसे बताया हुआ है कि जैसे ही उस पर 20,000 बेसिक सब्सक्राइबर कवर हो जाएंगे तो मैं लाइव आना स्टार्ट हो जाऊंगा, और देन वी कैन डिस्कस आउट द थिंग्स लाइव। थैंक यू। Have you ever tried thinking why you are not able to qualify different examination? That is engineering services, GATE or state services. Kabhi socha hai kyun selection nahi hota hai? Let me tell you, let me give you the basic introduction ki hota kyun nahi hai. Let me explain you the things. The reason is that because these examination need a perfect analysis. Analysis means you should know everything. So here in Catalyst Group, in my classes, where I'll give you the analysis of the exam, I'll give you the theory lectures, I'll give you the question lectures, what we'll do, we'll complete each and every question in the class, previous year se utha ke expected questions tak sab kuch hum class mein kar lenge. Jitne bhi hamare paas online courses hain, chahe IAS ke liye hain, chahe GATE ke liye hain, chahe SSC ke liye hain, aur jo bhi faculties hain, sare faculties GATE aur IAS toppers hain. अगर आप कैटलिस्ट ग्रुप ज्वाइन करते हो तो लेट मी टेल यू कि आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे। लेट्स सी दैट। पहली चीज आपको मिलेगी कि आपको एक्सपर्ट गाइडेंस मिलेगा जितना भी फैकल्टीज का, लाइव सेशंस मिलेंगे जहां पे आप फैकल्टी से अपने डाउट क्लियर कर सकते हो, फोन पे, व्हाट्सएप पे, आमने सामने बैठ के सब फैकल्टीज के लिए
आपके पास अपॉइंटमेंट होगा, आप उनसे डायरेक्ट डिस्कशन कर सकते हो। साथ में हम आपको नोट्स देंगे जो हमारे स्पेशल माइंड मैप्स की फॉर्म में नोट्स होते हैं, जिसमें आपको याद करना इजी रहेगा। कुछ मोटिवेशनल सेशंस होंगे, प्रोग्रेस एनालिसिस होंगी, नोट्स होंगे, हम अपना स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे, बुक्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी, आपको ए टू जेड ईच एंड एवरीथिंग प्रोवाइड किया जाएगा। हर कोर्स में हमारे पास मिनिमम से मिनिमम 1000 लेकर 2000 लेक्चर्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कोर्स विच यू आर टेकिंग। अलग अलग हमारे पास कोर्सेज हैं, डिफरेंट कोर्सेज हैं जो आप कंबाइन करके भी ले सकते हो। तो एवरीथिंग वी हैव फॉर यू। तो आई वेलकम यू ऑल टू द कैटलिस्ट ग्रुप, विजिट द लिंक बिलो, कॉल अस फॉर एडमिशंस। आवर न्यू वर्जन 1.1 इज ऑलरेडी लॉन्च्ड, एडमिशंस आर ओपन अंडर ऑल आवर कोर्सेज। थैंक यू।